वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहते हैं? विदुर कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन लक्षण होते हैं विदुर? राजन, ईर्षु घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता। हे राजन, पहला उनमें अवगुण होता है कि वो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर, किसी का सम्मान प्रतिष्ठा देखकर, किसी का धन धाम देखकर, किसी की गाड़ी और मकान देखकर, जिनके सीने पर सांप लौट जाते हैं, जलन होती है, वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रेम विहीन होता है, उनके अंदर ईर्ष्या होती है। विचारकों ने कहा है ईर्ष्या करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। चिंतकों ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाले के शरीर में बीमारियां बहुत होती है। सदगुरु श्री क्षमादेव ने कहा है ईर्ष्या करने वाले का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या के बजाय सबके प्रति शुभकामना रखो। अकबर बादशाह ने एक लाइन खींचा बोर्ड के ऊपर और अपने मंत्रियों से कहा इस लाइन को छोटा कीजिए। एक मंत्री उठता है, उस लाइन को बिगाड़ देता है, थोड़ा सा बिगाड़ता है, कहता छोटी हो गई। दूसरा मंत्री उठता है और थोड़ा सा कम कर देता, बिगाड़ देता। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो बीरबल ने बादशाह के द्वारा खींची गई लाइन को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, बल्कि उस लाइन के ऊपर एक दूसरी बड़ी लाइन खींच दिया और कहा बादशाह, किसी की लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए, तो उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाए। ईर्षु घृणी दूसरा लक्षण है, जो लोग दूसरों से घृणा करते, किसी को गरीब समझकर, किसी को साधारण समझकर, जो नफरत का भाव है, घृणा का भाव, किसी को धनहीन समझकर, किसी को कम बुद्धि का समझकर जो घृणा होती है। कबीर साहब ने कहा है गुलाब के फूल को जब गरीब हाथ में लेता है तो भी गुलाब का फूल उसको भी खुशबू देता है, उसी फूल को अमीर हाथ में पकड़ता है उसको भी खुशबू देता है, और उसी फूल को मंदिर में चढ़ा दो तो वहाँ भी खुशबू देता है, और उसी फूल को मुर्दे के ऊपर अर्पित कर दो तो वहाँ भी खुशबू देता है, और उसी फूल की माला बनाकर गुरुदेव को पहना दो तो वहाँ भी सौंदर्य और खुशबू ही देता है। बेचारा कहता है गुलाब के फूल बनो। कबीर साहब कहते हैं प्रेम की खुशबू सबको दीजिए, और प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ प्रेम होता है वहाँ और बहुत से गुण आ जाते हैं। एक शेर सोया हुआ था, पीछे से बच्चे आवाज कर रहे हैं कृपया कंट्रोल करें, सबको बिठा दें। शेर सोया था, चूहा गड्ढे से निकला और शेर के मुंह के ऊपर कूद पड़ा, शेर की नाक के ऊपर कूदा। चूहा तो चूहा था, इतना समझदार था नहीं कि शेर के ऊपर ना कूदूं। चूहा तो किसी के ऊपर कूद सकता है, कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी कूदा है, लेकिन शेर के ऊपर कूदना खतरे से खाली नहीं। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया और शेर गुर्राया तो चूहे की आधी दम निकल गई। चूहा बहुत घबरा गया, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो शेर है, इसके मुंह पर कूद पड़ा मैं, इसके नाक पर कूद गया। कभी कभी तुम गलती करने के बाद सोचते हो ऐसी गलती हो गई। चूहा भी सोचने लगा, गलती के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई, अब सोचो खूब। अब सोचने से ये फायदा है कि उस गलती को दोबारा मत करो, लेकिन जो बार बार वही गलती करे तो उसके सोचने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सोचता भी है फिर गलती करता है, पछताता है और फिर गलती करता है, रोता है और फिर गलती करता है। गलती बंद होना चाहिए। चूहे को पंजे में पकड़ा शेर ने, कहा मार दूंगा तेरे को, तो चूहा रोने लगा, बोला मेरे पास भी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे मरने का मतलब है वो बच्चे भी मरेंगे, तो एक एक चूहा 40-40 बच्चे देता है, बहुत लंबी फैमिली रहती है। चूहे का परिवार नियंत्रण नहीं हो सकता, जनसंख्या नियंत्रण, और कितने आदमी भी चूहे जैसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, 18-18 बच्चे,
28 बच्चे जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे हैं, न धन बढ़ा रहे हैं, न मकान बढ़ा रहे हैं, न बुद्धि विवेक बढ़ा रहे हैं, न सद्गुण सदाचार बढ़ा रहे हैं, केवल बाल गोपाल बढ़ा रहे हैं। बाल गोपाल एक एक साथ में तीन तीन गोपाल, भज गोविंदम भज गोपालम। बहुत खतरनाक। एक मुस्लिम भाई के एक पुत्र का जन्म हुआ, मौलवी के पास गया और मौलवी से बोला इसका नामकरण आप करो, लेकिन ऐसा नाम रखना कि इसमें अल्लाह शब्द आना चाहिए। तो मौलवी ने कहा ठीक है, उसने रख दिया रहीमतुल्ला। दूसरे साल दो जुड़वा बच्चे हुए, मौलवी के पास फिर गया वो मुस्लिम भाई, बोले अब अल्लाह की कृपा से दो हुए हैं एक साथ, बोले इसका नाम रखो दोनों का, लेकिन अल्लाह शब्द पीछे आना चाहिए। तो मौलवी मुस्कराए और बोला खिदमतुल्लाह इनायतुल्लाह। ऐसे करते करते 12 बच्चे हो गए, 12 बच्चे हुए। अब किसी के जुड़वा हों दो हों तो उसकी गलती नहीं, ये तो अंदर का खेल है। दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, पांच भी हो सकते हैं। 5 साल पहले मैंने सुना था एक महिला के 5 बच्चे एक साथ हुए, 5 पांडव एक साथ निकाला, क्या फर्क पड़ता है। बार बार का झंझट खत्म, एक ही बार में सब निपट गए। ये भी बढ़िया बात है। तो उस महिला की गलती नहीं, ना उसके पति की गलती, ये तो अंदर क्या हो रहा है किसको पता है, ये तो गुप्त खेल है। जैसा भाग्य है हो जाता है, कितने लोग चाहते हैं फिर भी एक भी बच्चा नहीं होता। तो जब 12 बच्चे हुए और 13वें बच्चे का जन्म हुआ और फिर वो मुस्लिम भाई मौलवी के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब अल्लाह ताला की कृपा से 13वें बच्चे का जन्म हुआ है, इसका भी नामकरण कर दो। मौलवी हंसा और बोला कि ओहो 12 हो चुके, 13 हुआ है, एक दर्जन से पार हो गए। तो मौलवी बोला अब मैं तो यही नाम रखता हूँ, अल्लाह से भी प्रार्थना है इस 13वें बच्चे का नाम रख रहा हूँ कि अब बस कर अल्लाह, अब बस कर दे बस, और नाम भी नहीं बचा। बस कर अल्लाह। ईमानदार भी हो और बुद्धिमान भी हो, केवल ईमानदार है बुद्धि नहीं है तो भी डिसीजन गलत लेगा, बुद्धिमान भी होना चाहिए, काम क्या करना है। और अपना घर भी अच्छा बनाओ आप, और घर में घर वालों को अच्छा बनाओ, और घर में प्रवचन की आवाज गूंजनी चाहिए। भोजन बनाते बनाते प्रवचन सुनो, खेत में काम करते करते प्रवचन सुनो, गाड़ी में यात्रा करते करते प्रवचन सुनो, और मेहमान आ जाए उसको प्रवचन सुनो, दुकान में सामान बेचते बेचते भी प्रवचन सुनो। प्रवचन इतना दिमाग में भरना चाहिए, लाखों प्रकार का प्रवचन है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए, खान पान शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, आचरण शुद्ध हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, कबीर साहब कहते हैं जब प्रेम की कमी होती है तब घृणा का जन्म हो जाता है, जब भरपूर प्रेम होता है वो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। गरीब से भी प्रेम करेगा, अमीर से भी प्रेम करेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। घर में सुख नहीं होता है, धन में सुख नहीं होता है, सामान में सुख नहीं होता है, बड़े परिवार में भी सुख नहीं होता है, छोटे परिवार में भी सुख नहीं होता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में भी सुख नहीं होता है। सुख कहाँ होता है? आपस के प्रेम में सुख होता है, और आपस में प्रेम वही कर सकते हैं जिनको जिंदगी जीने का ज्ञान होता है, जिनमें बुराइयां नहीं होती हैं, अवगुण नहीं होते हैं, वही आपस में प्रेम से रह सकते हैं, वही आपस में प्रेम की गंगा बहा सकते हैं। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव। भगवान राम सीता जी के साथ में वनवास गए थे, वहां ना राजमहल था, ना ताजमहल था, ना गाड़ी घोड़ा था, पैदल यात्रा थी। कोई झोपड़ी डालकर उसमें रह लेते थे, कहीं साधु संत की कुटी में रह लेते थे,
लेकिन सीता का प्रेम राम से बहुत था, इसलिए राम मुस्कराते रहते थे। राम का प्रेम सीता से बहुत था, इसलिए सीता खुश रहती थी। लक्ष्मण का प्रेम राम से अत्यंत था, इसलिए लक्ष्मण गदगद रहते। जो प्रेम करता है वो भी खुश होता है, और जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी खुश होता है। याद रखना, फूल दूसरे को देने वाले को भी खुशबू मिलती है और फूल लेने वाले को भी खुशबू मिलती है। प्रेम तो खिला हुआ फूल है, अगर तुम दूसरे को प्रेम का फूल अर्पित करोगे वो भी सुख की खुशबू से धन्य होगा और तुम भी सुख की खुशबू पाओगे। महाराजा दशरथ राजमहल के बीच में, लेकिन दुखी है क्योंकि कैकेयी जो है खींचाता निकर रहे, और कैकेयी का राजा दशरथ से प्रेम नहीं है, कैकेयी का अपनी कामनाओं को पूर्ण करने से प्रेम है। कितने लोगों को कैकेयी जैसी पत्नी मिली है, और कैकेयी जैसी पत्नी का लक्षण होता है कि कई के कहने में जो चले वही कैकेयी है। अभी उसकी माँ ने बहका दिया, भाभी ने बहका दिया, ननद ने बहका दिया, उसके भाई ने कुछ सुना दिया, उसके बाप ने कुछ जंतर मंत्र कर दिया, कहीं पड़ोसी ने कुछ कान फूंक दिया, बस वो बहक गई। जो कई के कहने से बहक जाए वही कैकेयी होती है, और जो किसी के कहने से बहके ना वो याद रखना कौशल्या होती है, कौशल्या होती है। बहकना बंद करिए, महिलाओं को ठीक से बिठा दो, समय पर छुट्टी दी जाएगी। ये क्यों खड़ी है महिलाएं, अंदर घुसो, बैठ जा महिला, बैठ जा, कैकेयी नहीं है तू, कौशल्या है, बैठ। हाँ, आवाज ना करो, ये कौन आवाज कर रहा है, ये नरेश क्यों खड़े हो, आवाज मना करो, मना करो, ये कलवल कलवल क्यों होने लगा। इसमें भी बहुत सी कैकेयी भी आई ही लग रहा है। चुप रहो, गुरु जी की ओर देखो, इधर उधर मत देखो, कहीं जाओ मत, व्यवस्था मत करो, सेटिंग मत करो, कुछ इंतजाम मत करो, बैठे रहो, सुनते रहो। पूरी जिंदगी बीत गई काम करते करते, थोड़ा सुन लो। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर के लोग मुझसे प्रेम करें। बड़ी मजे की बात है, यदि तुम चाहते हो कि सब लोग हमसे प्रेम करें, मैं निवेदन करूँगा, प्रेम उसी को मिलता है जो दूसरों को प्रेम देता है, गाली उसी को मिलती है जो दूसरों को गाली देता है, प्रसन्नता उसी को मिलती है जो दूसरों को भी प्रसन्न करता है, सुख उसी को मिलता है जो दूसरों को सुखी करता है। और याद रखना, जो दूसरों को बर्बाद करता है वो खुद भी बर्बाद होता है, जो दूसरों से प्रेम नहीं करता है उसको दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं मिलता। इंतजार करते रहो, बैठे रहो, लाइन में लगे रहो कि सब लोग प्रेम करें, सासू मुझको प्रेम दे दे, मम्मी प्रेम दे दे, बाप प्रेम दे दे। अरे तुमको तो गांव के कुत्ते भी प्रेम नहीं करेंगे, वो भी तुम्हारी टांगम काट लेंगे, तुम शैतान हो, कुत्ता बैठा उसके लात मार कर चले जाते हो। प्रेम करने वालों को ही प्रेम मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी दे। यदि बहू चाहती है कि मेरी सासू का प्रेम मुझको मिलना चाहिए, सासू का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सासू से 10 मिनट पहले सोकर उठ जाओ, सासू जब जागे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए, सासू दरवाजा खोले तो चाय तैयार रहना चाहिए, उठो सासू मुंह धो लो, चाय लाई हूँ थोड़ा पी लो, ये कहो। लेकिन उल्टा चल रहा है, सासू पहले जाग रही है, बहू पड़ी सो रही है, सासू उसके कमरे के पास जाती है, बहू बेटे को देखती है, उसको ऐसा दिखता है कोई नाग नागिन सोए नाग नागिन फुफकार रहे हैं, घुर घुर कर रहे हैं। होब सोते रहो बर्बाद होगा ही,
फिर सासू का प्रेम मिलेगा, ससुर का प्रेम मिलेगा, माँ बाप का प्रेम मिलेगा। सो सो कर बर्बाद कर दिया घर को, उसके बाद प्रेम चाहते हो? अरे मार पीट ना हो वही बहुत प्रेम मिलने वाला है। ऐसे काम चोर आलसी को कहीं प्रेम मिलता है? निकम्मों को ना प्रेम मिलेगा ना सम्मान मिलेगा, जब मिलेगा उनको तो अपमान ही मिलेगा। याद रखना, अच्छे कर्म करने वालों को, सुंदर स्वभाव वालों को, पवित्र चरित्र वालों को, और जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति अलर्ट रहते हैं, उन्हीं को इस दुनिया में प्रेम की गंगा में नहाने का मौका मिलता है। जब सासू देखती है कि बेटा और बहू ऐसे सो रहे जैसे नाग नागिन सो रहे, सासू का भी होश उड़ जाता है, सासू को डर लगता है। अगर जगाओगे तो ये नाग नागिन डस लेंगे, खतरनाक। कितने माँ बाप अपने बेटे बहू से बहुत डरे हुए हैं, बिल्कुल बब्बर शेर है बेटा और उसकी बहू, अरे खतरनाक शेरनी बाघिन, गुर्र। खूब गुर्राती है, ये गुर्र फुर्र करोगे तो लक्ष्मी दी तुम्हारे घर से हुर्र चली जाएगी, दरिद्रा कर बैठेगा। इसलिए नाराज मत हुआ करो, समय पर जग जाया करो और जग करके काम भी किया करो। कितने लोग जागते हैं फिर एक चादर ओढ़ कर मुंडी लटका कर बैठते हैं, दूसरों को ढोंग बता रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं। अरे मुंह धो जाकर तुम ध्यान करते हो, लार टपक रही, पागल आदमी फालतू कहे का ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? अपनी आलस्य का। उधर निकलो, यहां से हटो, मुंह धो पहले। सब मैल लगा है दांत में, मुंह में, आंखों में कीचड़, और फिर अब बैठे हैं चादर ओढ़ के ताकि कोई कहे भी ना सके कि उठे क्यों नहीं, तो उठा हूं और बैठा हूं, तो कोई बोल ना सके क्योंकि मैं ध्यान में हूं। ध्यान में नहीं, बेईमान में हो तुम, निकलो यहां से। समय पर जागना भी सीखो। गौ सेवा करने से दुर्घटना टलती है, चिड़ियों की सेवा करने से बीमारियां कम होती है, बूढ़ों की सेवा करने से उम्र बढ़ती है, माता पिता की सेवा करने से खुशियां बढ़ती हैं, सास ससुर की सेवा करने से संपदा बढ़ती है, और गुरु की सेवा करने से जिंदगी में ज्ञान बढ़ता है, आचरण बढ़ता है। बहुओं को खुश रखने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, और बेटों को उत्साहित करने से घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, और मेहमान का सम्मान करने से आपके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए मेहमान का भी आदर करना, और दान करने से कभी भी मनुष्य कंगाल नहीं होता है। दारिद्र नाशनम दानम, दरिद्र का नाश करने वाला यदि कोई है तो वो दान है, दान से दरिद्र नष्ट होता है। इसलिए जितनी क्षमता हो सबको दान भी करना चाहिए, और प्रेम करने से खुशी मिलती है, क्रोध करने से दुख प्राप्त होता है। सन्य छिदि यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सांस्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने हर्ष और खुशी को पचा लेते हैं, वे राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं और भविष्य में